हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की। राहुल गांधी ने आज कुछ जो है बड़ी बात कही है, इसके ऊपर हमें कुछ कमेंट्स आए थे कि क्या इससे कुछ हो सकता है, क्या इफेक्ट पड़ सकता है, तो वो हम देखेंगे। पहले तो रिपोर्ट क्या है ये आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आप देखें तो 4 बजे के आसपास की आज की रिपोर्ट है, तारीख और टाइम देख सकते हैं कि पीएम पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने बताया अपना धर्म संकट। बोले, दुर्भाग्य ये है कि मुझे भगवान गाइड नहीं करते। देखिए दोस्तों, यहाँ पर नीचे कमेंट अपना ज़रूर अपनी राय कर दिए कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। पूरा वीडियो पहले तो ज़रूर देखें। मोदी जी और अदानी दोनों के बारे में राहुल गांधी ने कुछ कहा है। यहाँ पर अगर देखें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केरल के मलमपुर में पीएम मोदी पर तंज कसा है, तो मतलब कि अब तो इलेक्शन भी पूरा हो गया, अब क्या है मतलब इसको, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि मैं इस दुविधा में हूँ कि वायनाड या रायबरेली किससे सांसद बना रहूँ। कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्हें भगवान से कोई निर्देश नहीं मिलता कि क्या करना है। ऐसा ये क्यों कह रहे हैं वो हम आपको आखिर में समझ में आएगा, जैसा कि प्रधानमंत्री कहते हैं। अच्छा, मतलब मेरे पास इस तरह की कोई भी सुविधा नहीं है और भगवान मुझे कोई आदेश नहीं देते हैं। पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि भगवान ने प्रधानमंत्री को देश के एयरपोर्ट, अब ये एक बात खास यहाँ पर इसको देखें, प्रधानमंत्री को देश के एयरपोर्ट और पावर प्लांट को अदानी को देने का आदेश दिया है। तो मेरी बात यही समझ में नहीं आ रही है कि हमेशा अदानी के बारे में क्यों मतलब ये बोलते हैं, मतलब कि ये सोचने लायक बात है। चले खैर, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से। अब आगे देखते हैं कि उन्होंने कहा कि भगवान मुझे कोई आदेश नहीं देते हैं, मेरे भगवान मेरे देश के गरीब लोग हैं। अच्छा, मतलब इसलिए ये सब मेरे लिए आसान है, मेरे भगवान वायनाड के लोग हैं और जब मैं लोगों से बात करता हूं तो मेरे भगवान मुझे बताते हैं कि क्या करना है। तो ये लाइन आप इसको देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने कहा कि भगवान ने प्रधानमंत्री को देश के एयरपोर्ट और पावर प्लांट को अदानी को देने का आदेश दिया है, मतलब कि कुछ भी। और देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कुछ भी कहे, लेकिन जब तक कोई साबित नहीं होता तब तक कुछ नहीं हो सकता, ऐसा मुझे लग रहा है। अदानी ग्रुप की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका बिज़नेस जो है वो अच्छा है और आगे चलकर उसके शेयर का प्राइस भी अच्छा रह सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी अगर देखिए तो कोई भी पप्पू या टप्पू मतलब कि कुछ भी कहे, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और हम ना किसी का नाम ले रहे हैं यहाँ पर। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट ज़रूर करें एक बार। आगे देखते हैं कि नफरत हो या नफरत को प्यार ने हरा दिया राहुल गांधी। अपने भाषण के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन की लड़ाई भारत के संविधान की रक्षा के लिए, और उस लड़ाई में नफरत को प्यार ने हरा दिया है। गांधी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को अब अपना रवैया बदलना होगा क्योंकि भारत की जनता ने उन्हें साफ संदेश दे दिया है। भाई, संदेश तो दे दिया है, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जीत गए हैं मोदी जी, और क्या संदेश है। लगातार दूसरी बार वायनाड सीट से भारी मतों से जीत हासिल करने के बाद राहुल गांधी का राज्य में यह पहला दौरा था, लेकिन पूरे इंडिया में तो मोदी जी जीते। अब आगे देखते हैं, पीएम ने कहा था कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। अब ये देखिए मोदी जी ने क्या कहा था, इसके ऊपर शायद इन्होंने तंज कसा है ये, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि वो थकते क्यों नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था, यानी कि उनकी माँ, जब नरेंद्र मोदी जी की यहाँ पर बात हो रही है, उनकी माँ जब जिंदा थी तब मुझे लगता था कि शायद जैविक रूप से मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद सारे अनुभव को मैं जोड़कर देखता हूँ तो मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। उन्होंने आगे कहा कि मैं भगवान के द्वारा भेजा गया एक उपकरण हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, एक यंत्र हूँ जो ईश्वर मेरे रूप में मुझसे लेना तय करता है, और इसलिए मैं जब भी कुछ करता हूँ तो मैं मानता हूँ शायद ईश्वर मुझसे करवाना चाहते हैं। तो ये इसकी जो है पूरी की पूरी रिपोर्ट है। और मोदी जी ने इसके अंदर क्या गलत कहा था, इतनी अच्छी बात कही और इसके ऊपर भी मतलब कि कुछ कोई लोग मतलब कि ये तंज कस रहे हैं, और इसके बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट ज़रूर करें। और देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि रही बात अदानी ग्रुप की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हमने चर्चा की कि किसी के कुछ कहने से कुछ नहीं होता, साबित क्या होता है वो मायने रखता है। और जैसे कि हमने बात की, इसके बिज़नेस मॉडल जो भी अदानी ग्रुप की कई कंपनियाँ हैं उसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कई अदानी ग्रुप की कंपनियों के बिज़नेस मॉडल जो है अच्छे है और आगे चलकर उसके शेयरों में भी तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। हाँ, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो सकता है क्योंकि कुछ शेयरों के अंदर अच्छी खासी तेज़ी आई है, कुछ के अंदर नहीं भी आई है। कुछ के प्रॉफिट और रेवेन्यू की बात करें तो वो अभी उतने अच्छे नहीं बढ़े, जैसे कि हमने चर्चा की आज ही कुछ वीडियोस के अंदर, अदानी टोटल गैस, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, लेकिन अगर उसके प्रॉफिट और रेवेन्यू आगे चल के मुझे ऐसा लग रहा है कि बढ़ सकते हैं, तो उस वजह से थोड़ा टाइम अगर दे तो एक शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है।
बाकी कल वापस से अब इसके कुछ और शेयरों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है अदाणी ग्रुप के अंदर, तो कई अदाणी ग्रुप के शेयरों के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं और कुछ के ऊपर टाइम टू टाइम। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूं, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।